शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। और तीसरा खाता श्रेष्ठ कर्म करके अनेक आत्माओं को सुख देते हुए दुआओं का खाता जमा करना। ये कहां काम आएगा? ये दुआओं का खाता कहां काम आएगा? अंतिम परीक्षाओं में, विनाश के पहले अंतिम परीक्षाएं जो चारों ओर से आएंगी। शारीरिक कर्म भोगना के हिसाब से भी आएगी, तो संबंध संपर्क में संस्कारों के टकराव के हिसाब से भी आएंगी। हम किसी से टक्कर खाने नहीं जाएंगे, लेकिन लोग हमसे टक्कर खाएंगे उसका क्या है ना? उसको भी तो संभालना है। लोग टक्कर खाने वाले टक्कर खाने आएंगे, लेकिन मेरी अगर तैयारी है तो मैं उसको भी हैंडल कर सकूं, उस टकराव को भी। तीसरा, परिस्थितियों का, समस्याओं का, ये कोना भी तो आएगा। नेचुरल कैलामिटीज का ये कोना भी तो आएगा, है ना? आत्माओं का अटैक ये भी तो कोना आएगा। तो इसीलिए दुआओं का जिसके पास दुआओं का खाता भरपूर होगा, तो अंतिम समय के चारों ओर के पेपर में मक्खन से बाल की तरह निकल जाएंगे, पानी पर लगने की तरह निकल जाएंगे। इसीलिए ये तीनों खाते भरपूर चाहिए, ये तैयारी जरूरी है। और ये तैयारी अगर नहीं किया है, ये तीनों खाते जमा के हमारे पास नहीं है, तो फिर जो मिला उसी को स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके लिए बाबा ने कहा अंतिम समय उन आत्माओं को पश्चाताप के आंसू, संदेह की मुनि याद करो, पश्चाताप के आंसू। आग में चलना पड़ेगा, चार आग बताइए बाबा ने अव्यक्त मूल्य में, संदेह की मुनि में, तो पश्चाताप की आग में चलना पड़ेगा। अरे तेरे पास समय था, सब कुछ था, लेकिन समय था है। इसीलिए जो कहा विनाश की आग, विकारों की आग, देह और देह के संबंधों के आग और पश्चाताप की आग में, ये चारों प्रकार की आग का सामना करने के लिए दुआओं का खाता एक ही वो शीतलता का अनुभव कराएगा। जितना हमारा ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ कनेक्शन पावरफुल होगा, उतना शीतलता प्रदान होगी, उतनी शीतलता की अनुभूति होगी कि ये आग में हमें जलना नहीं पड़ेगा। दुआओं का खाता ये शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि उसी को बाबा का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। जाने से पहले तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है। जिस तरह दुनिया में कोई विदेश में जाता है, वीजा जरूरी है, तब तक जा नहीं सकता है, फिर परम धाम में अटकना पड़ेगा। या परम धाम तक जाने के लिए भी धर्मराज पुरी में अटकना पड़ेगा, है ना? वीजा ही नहीं है। तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार से संतुष्ट, ये ब्राह्मण परिवार भी या जो भी संबंध संपर्क में सभी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे रहे और बाबा मुझसे संतुष्ट, ये तीनों सर्टिफिकेट होंगे। अब पास के ऑनर के धर्मराज के पास भी सलामी मारते हुए निकल जाएंगे, पर ना वहां भी अड़चन नहीं होगी। लेकिन जिसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है, उसका हाल क्या होगा? रिटर्न जर्नी में कितना पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते रिफाइन नहीं हुए तो फाइन भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी परम धाम जाने के लिए भी। कि भाई रिटर्न टिकट तो तुमने लिया ही नहीं है, लिया तो ये तो सब पूरा है ही नहीं। इसीलिए हम सोचते रहे कि हमारी रिटर्न टिकट कंफर्म हो गई है, लेकिन कंफर्म
और तब तक वहां समय तो निकल जाएगा, समय किसी के लिए रुकना नहीं है। सत्युग चालू हो जाए तो वो आत्माएं नीचे उतर आएंगी। फिर त्रेता युग तब तक हम पेनल्टी भर रहे हैं और त्रेता युग भी पूरा हो गया तो मैं कहां आऊंगी। तो इसीलिए मुझे इतनी पेनल्टी न भरना पड़े कि वो पेनल्टी भरने के बाद परमधाम में जाके रेस्ट करना पड़े और फिर नीचे आऊं तो नीचे समय पूरा हो गया। सत्युग में भी नहीं आ सके, त्रेता के भी अंत में आना पड़ा। एक बार ज्ञान लिया है पाएंगे तो जरूर स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में भी कौन सी क्वालिटी का जन्म मिला ये देखना। पेनल्टी भरते भरते क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ होगी। इसीलिए जैसे दुनिया में कहते हैं लोग श्री कृष्ण के भी भक्त है, श्री राम के भी भक्त, शायद दुनिया में आज श्री राम के भक्त ज्यादा होंगे, लेकिन आज किसी को भी अगर पूछा जाए राम सीता बनेंगे तो क्या करेंगे? राम सीता के भी बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की दुनिया से, सत्यु की दुनिया की क्वालिटी से त्रेता युग की क्वालिटी फिर भी दो गुना कम होती है। तो चाहिए तो हर एक को संपूर्ण चाहिए, दो क्वालिटी दो डिग्री कम भी नहीं चाहिए आपको। तो जब नहीं चाहिए तो कितना जमा करना पड़ेगा तब जाकर के उस दुनिया में जा सकेंगे। तो उसकी तैयारी अगर यहाँ ही नहीं हुई है हमारी, तो इसीलिए बुद्धि योग अभी बाहर की दुनिया से समेटते हुए आत्मस्थिति में, आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल हमारी बना दे, हर बात में ये पाठ इतना पक्का हो हमें। बाबा रोज रोज हमें पाठ पक्का करा रहे हैं, आत्म समझ करके मुझे याद करो बच्चे, आत्म समझ करके याद करो, मन मना भाव